इसी जगह से युद्ध का शुरुआत हुआ और अंत में आके युद्ध यहाँ समाप्त हो गया। यहाँ धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में जब द्वापर और कलयुग की संधि का आगमन होता है तो धर्म की स्थापना के लिए एक महायुद्ध होता है। द्वापर और कलयुग की संधि आई तो महाभारत युद्ध हुआ। नमस्कार, इंडिया टू भारत चैनल पर आपका स्वागत है। आज का हमारा एपिसोड होने वाला है महाभारत काल की गवाह रही पतित पावन धरती कुरुक्षेत्र पर। इस एपिसोड में हम यहाँ पर कुरुक्षेत्र में देखने वाले मुख्य स्थानों के बारे में बताएंगे और यहाँ पर रहने की सुविधा के बारे में बताएंगे। तो अभी सबसे पहले अभी जिस जगह पर हमें खड़े हैं, जो कुरुक्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है और ये ब्रह्म सरोवर कहलाता है। ब्रह्म सरोवर का कई हजारों सालों से एक विशेष ऐतिहासिक स्थान रहा है। सबसे पहले महाभारत युद्ध के अंतिम दिन दुर्योधन ने इस सरोवर का उपयोग अपने आप को भीम से छुपाने के लिए किया था। दूसरी विशेषता इस सरोवर की कि यहाँ पर ब्रह्मा जी ने इस सरोवर पर यज्ञ करके इस पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति की थी। और तीसरा, इस ब्रह्म सरोवर पर लगने वाला सूर्य ग्रहण का मेला, यहाँ पर देश और विदेश से श्रद्धालुगण आते हैं और यहाँ पर ब्रह्म सरोवर पर स्नान करते हैं। तो जब भी आप कुरुक्षेत्र में आए तो सबसे पहले आप अपने दिन की शुरुआत यहाँ पर स्नान करके कर सकते हैं और उसके बाद बाकी के मुख्य तीर्थ स्थलों के दर्शन के लिए जा सकते हैं। ब्रह्म सरोवर पर ही आपको और भी मुख्य तीर्थ स्थल देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ पर सरोवर के बीचों बीच स्थित सर्वेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए। सर्वेश्वर महादेव मंदिर तक जाने के लिए सरोवर के बीच में ही यहाँ पर पुल स्थापित किया गया है। यहाँ से आप आगे महादेव मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। और सर्वेश्वर महादेव मंदिर का जो इतिहास है वो इस तरह से है कि इस महादेव लिंग की जो स्थापना वो ब्रह्मा जी द्वारा की गई थी जब उन्होंने यहाँ पर यज्ञ किया था। महादेव मंदिर दर्शन करने के बाद अभी हम यहाँ पर पीछे ही कात्यायनी माता का मंदिर स्थापित है, वहाँ पर एक वेद पाठशाला भी है, तो वहाँ पर जाके अभी हम माता रानी के मंदिर के दर्शन करेंगे। तो अभी हम जब कात्यायनी माता मंदिर की तरफ जा रहे थे तो हम जो एक बात का ध्यान दे रहे थे कि यहाँ पर ब्रह्म सरोवर पर सफाई का बहुत ही अच्छा प्रबंध किया गया है। तो ये ब्रह्म सरोवर पर ही सर्वेश्वर महादेव के बिल्कुल पीछे कात्यायनी माता जी का मंदिर स्थापित है। कात्यायनी माता मंदिर के अंदर ही वेद पाठशाला है, यहाँ पर विद्यार्थियों को निःशुल्क शास्त्र की शिक्षा दी जाती है। और यहाँ पर कात्यायनी देवी मंदिर के तट पर ही शाम को ब्रह्म सरोवर पर जो महाआरती का आयोजन किया जाता है, यहाँ के विद्यार्थियों द्वारा ही वो आरती की जाती है। तो अभी अंदर चलकर माँ कात्यायनी के दर्शन करते हैं। माँ कात्यायनी देवी जी के दर्शन करने के बाद अभी हम जाएंगे यहाँ पर जो ब्रह्म सरोवर का सबसे मुख्य आकर्षण स्थल है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी और अर्जुन जी का एक बहुत ही विशाल रथ स्थापित है। तो अभी वहाँ पर चलते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ पर जो रथ स्थापित है। कात्यायनी देवी मंदिर के बिल्कुल पीछे ही भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जी का जो रथ यहाँ पर बनाया गया है, यहाँ पर श्री कृष्ण जी प्रतीकात्मक रूप से अर्जुन जी को जो गीता का ज्ञान है वे देते हुए दिखाई दे रहे हैं। और साथ में यहाँ पर बड़े बड़े चार घोड़े भी दिखाई दे रहे हैं आपको। तो अगर बड़े ध्यान से आप देखेंगे तो इस रथ के बिल्कुल ऊपर आपको भगवान बजरंग बली जी की प्रतिमा भी दिखाई देगी। बजरंग बली जी ने इस पूरे महाभारत युद्ध के दौरान इस रथ की रक्षक के रूप में रक्षा की थी। तो ब्रह्म सरोवर पर हम जो ध्यान दे रहे थे कि यहाँ पर सरोवर भी उतना ही बड़ा और जो हरे भरे मैदान है वो भी बहुत बड़े हैं। आपको यहाँ पर हर तरफ बरगद के और पीपल के बड़े बड़े पेड़ दिखाई देंगे। तो अभी रथ को देखने के बाद हम ब्रह्म सरोवर के जो अंतिम मुख्य स्थल है
यहाँ पर माँ द्रौपदी ने अपने केश धोए थे वहाँ पर जाएंगे। माँ द्रौपदी के जिस कूप के दर्शन के लिए हम जा रहे हैं वो जो कृष्ण और अर्जुन जी का रथ है उसके बिल्कुल साथ में ही है। तो यही वो ऊपर से जो हमें दिखाई दे रहा है माँ द्रौपदी जी का वो जो कुआं जहाँ पर माँ ने अपने केश धोए थे। तो अभी हम सीढ़ियों से होते हुए नीचे जाकर इस कूप के दर्शन करेंगे। और यही वो कुआं है यहाँ पर माँ ने अपने केश धोए थे सुशासन के लहू से जो उन्होंने प्रतिज्ञा की थी जब माँ का भरी सभा में चीरहरण हुआ था। प्रत्येक वर्ष कुरुक्षेत्र में गीता जयंती महोत्सव मनाया जाता है और उसका जो मुख्य आयोजन होता है वो ब्रह्म सरोवर में ही होता है। ब्रह्म सरोवर के परिक्रमा मार्ग पर आपको चारों तरफ यहाँ पर वॉल पैनल दिखाई देंगे जो यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बहुत ही अच्छी जानकारी है। इन वॉल पैनलों पर महाभारत काल के समय की जो भी घटनाएं हुई हैं वो यहाँ पर चित्रित की गई हैं। तो ब्रह्म सरोवर के सभी मुख्य तीर्थ स्थलों के दर्शन हमने कर लिए हैं। इसके बाद हम अब अगले मुख्य स्थान पर जाएंगे। तो यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, यहाँ पर भीष्म पितामह ने अपने प्राण त्यागे थे। और उसके 1 किलोमीटर आगे हम जाएंगे कुरुक्षेत्र की सबसे पावन धरती पर, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। कुरुक्षेत्र के तीर्थ स्थल थोड़ी थोड़ी दूरी पर स्थित है। अगर आपके पास निजी वाहन है तो ठीक है, नहीं तो सबसे बढ़िया विकल्प है ऑटो से जाने का। ऑटो का शुल्क 200 प्रति व्यक्ति है अगर आप 7-8 लोगों के साथ ऑटो शेयरिंग में लेते हैं। अगर आपका 2-4 लोगों का खुद का परिवार है तो ऑटो वाले आपसे स्पेशल में 1,000 या 1,500 लेंगे और उसमें आपको पूरे दिन में कुरुक्षेत्र के 10 मुख्य तीर्थ स्थल दिखाएंगे। ब्रह्मा सरोवर से जो नरकातारी तीर्थ की दूरी है वो लगभग 3 किलोमीटर है। अगर आप अपने वाहन से आते हैं तो यहाँ पर पार्किंग की सुविधा भी है। यहाँ पर नरकातारी तीर्थ में तो 2 मुख्य स्थान है, एक तो यहाँ पर भीष्म पितामह जी का मंदिर है, दूसरा यहाँ पर सरोवर है, यहाँ पर भीष्म पितामह जी बाण की शैया पर लेते हैं। तो यह इस स्थान पर भीष्म पितामह जी का उत्तर प्रदेश के बाद यहाँ पर एकमात्र मंदिर है। बाण शैया पर साथ में माँ गंगा जी, वासुदेव श्री कृष्ण जी और पांचों पांडव खड़े हैं। ऐसा भावनात्मक दृश्य आपको भारत के इस भीष्म पितामह मंदिर में देखने को मिलेगा। भीष्म पितामह जी का एक मंदिर प्रयागराज में भी है। भीष्म पितामह मंदिर के दर्शन हमने कर लिए हैं। उसके बाद नरकातारी का जो दूसरा मुख्य स्थान है वो है महाभारत युग से स्थापित ये सरोवर। इस सरोवर की जो उत्पत्ति हुई है जब बाण शैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह को प्यास लगी और उन्होंने अपने लिए जल मांगा तो अर्जुन ने पारजन्य शस्त्र से तीर मारकर धरती से जल धारा निकाली और गंगा पुत्र भीष्म जी ने अपनी प्यास बुझाई। आपको इस भीष्म पितामह मंदिर में जितने भी स्तंभ दिखाई देंगे सब पर भीष्म पितामह जी ने युधिष्ठिर को अंतिम समय पर जो राजधर्म की शिक्षाएं दी थी वो लिखी हुई हैं। तो नरकातारी तीर्थ के बाद कुरुक्षेत्र धरती का अगला मुख्य तीर्थ स्थल है ज्योतिषर तीर्थ। यहाँ से महाभारत युद्ध का आगाज हुआ था। तो चलिए अब चलते हैं ज्योतिषर तीर्थ की तरफ। नरकातारी तीर्थ से ज्योतिषर जाते हुए रास्ते में 2 मुख्य मंदिर इस्कॉन टेम्पल और कृष्ण अर्जुन टेम्पल जो भी बन रहा है वो भी आता है और साथ में ही कल्पना चावला प्लैनेटेरियम भी आता है। कल्पना चावला प्लैनेटेरियम सोमवार के दिन बंद रहता है। तो अभी नरकातारी तीर्थ दर्शन करने के बाद अभी हम यहाँ पर कुरुक्षेत्र के सबसे मुख्य स्थान ज्योतिषर तीर्थ पे आ चुके हैं। ज्योतिषर तीर्थ में जब आप प्रवेश करते हैं तो आपको सबसे पहले यहाँ पर जो महाभारत की झांकियाँ हैं वो दिखाई गई हैं और साथ में जो प्राचीन शिव मंदिर है। और इसके बाद हम अब उस स्थान पर जाएंगे जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता संदेश दिया था।
इस पावन धरती पे यहाँ पे आज दर्शनों के लिए आज आए हैं। वास्तव में इस पवित्र भूमि का नाम है ज्योतिसर, के जहाँ पे भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता सुनाया। जब अर्जुन को यहाँ पे आके मोह गया कि मेरे चाचा, मेरे दादा, मेरे बंधु, मेरे सके तो हैं प्रभु, मैं मारूँ तो किसको मारूँ, तो भगवान कृष्ण जी ने फिर इस जगह से कह दिया, अर्जुन अगर तू नहीं मारेगा तो मारे ये सब जाएंगे, इसलिए उठो और युद्ध का तैयारी करो। कहते कि फिर इसी जगह से युद्ध का शुरुआत हुआ। यही है द्वापर युग से स्थापित वो प्राचीन वट वृक्ष। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता का संदेश दिया था। 11वें अध्याय में फिर भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन जो दिव्य दृष्टि आज मैं तेरे को दे रहा हूँ, ये महान ऋषियों ने मेरे लिए बड़े बड़े तप किए गए हैं, जप किए गए हैं, योग किए गए हैं, ये रूप अर्जुन मैंने उनको नहीं दिखलाया जो आज तेरे को दिखला रहा हूँ। कहते हैं कि फिर इसी जगह पे आके अर्जुन का जो मोह था वो पूरी तरह से भंग हो चुका था। इसी जगह से युद्ध का शुरुआत हुआ और अंत में आके युद्ध यहाँ समाप्त हो गया। जिस पेड़ के नीचे अभी हम बैठे हुए हैं, इसी पेड़ के नीचे भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता सुनाया था, और गीता सुनाते समय ये पेड़ भी सदा सदा के लिए अमर हो गया था, और तभी इस पेड़ का नाम पड़ा अक्षयवट। अक्षय मैंने जिसका क्षय ना हो, जो खत्म ना हो, हमेशा हमेशा के लिए जो जिंदा रहता है, अमर रहता है, उसको हम अक्षयवट बोलते हैं। बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं, इस पेड़ को नमस्कार करते हैं, चारों तरफ से पेड़ का परिक्रमा किया जाता है और उसमें एक मंत्र बोला जाता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और ज्योतिसर तीर्थ का जो दूसरा मुख्य स्थान है वो ये रथ है, कृष्ण अर्जुन रथ, और इसकी जो स्थापना की गई है 1967 में काची कामकोटी पीठ वालों ने की थी। ये काची कामकोटी पीठ वही है जिनके अध्यक्ष किसी समय में जगत गुरु शंकराचार्य रहे। जगत गुरु शंकराचार्य का भी इस ज्योतिसर तीर्थ स्थल के साथ एक विशेष लगाव रहा है। जब जगत गुरु शंकराचार्य मैदानी क्षेत्र से पहाड़ की तरफ जाने लगे थे तो यहाँ पर ज्योतिसर तीर्थ को ही उन्होंने सबसे पहले चिन्हित किया। ज्योतिसर तीर्थ में जो तीसरा मुख्य स्थान है वो यहाँ पर अभी अभी नया ही भगवान श्री कृष्ण का जो विराट रूप है उसकी स्थापना की गई है, तो उसको देखने के लिए अब हम चलते हैं। और ये हमारे पीछे आपको जो दिख रहा है कि ये कृष्ण जी का एक विराट रूप जब उन्होंने गीता ज्ञान के समय अर्जुन जी को दिखाया था, और ये बहुत ही यहाँ पर सुंदर प्रतिमा है, और इतना जो विशालकाय लग रहा है यहाँ पर जो कृष्ण जी के साथ भगवान शंकर जी के, परशुराम, बजरंग बली जी के, गणेश जी की प्रतिमाएं उनके चेहरे के रूप में दिखाई गई हैं। तो विराट रूप जो अभी लगा हुआ है यहाँ पे, इसका जो वजन बताया जाता है वो 40 टन के करीब है। शाम को यहाँ पे लेजर शो भी चलता है जिसका समय रहता है 6:30 बजे के करीब, तो ये 40 मिनट का शो होता है जी यहाँ पे। और ज्योतिसर तीर्थ के बाद अगला मुख्य तीर्थ स्थल है देवी कूप भद्रकाली मंदिर। ये माँ का इकलौता शक्ति पीठ है हरियाणा में। यहाँ पर माँ सती का दायां टकना गिरा था, और इस शक्ति पीठ का एक और इतिहास है जो भगवान श्री कृष्ण के साथ जुड़ता है कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के मुंडन भी किए गए थे। देवी कूप भद्रकाली मंदिर में एक बहुत ही अलग प्रथा यहाँ पर है, वो है यहाँ पर भक्तों द्वारा घोड़े भेंट किए जाते हैं, और इस घोड़े दान करने की प्रथा का जो संबंध है वो द्वापर युग में महाभारत के समय से है, जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इस मंदिर में लेकर आए थे और यहाँ पर अपनी जीत के लिए वर मांगा था। और जब महाभारत युद्ध में अर्जुन और पांडवों की जीत हुई तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के साथ घोड़े भेंट किए थे, और तब से लेकर आज तक ये प्रथा चली आ रही है। भद्रकाली से 300 मीटर की दूरी पर ही स्थानेश्वर महादेव मंदिर स्थापित है। तो भद्रकाली मंदिर के बाद अगला मुख्य तीर्थ स्थल है स्थानेश्वर महादेव। इस मंदिर का जो इतिहास है वो काफ़ी प्राचीन है, और पांडवों ने महाभारत युद्ध के समय भगवान शिव की यहाँ पर पूजा आराधना की थी भगवान श्री कृष्ण के साथ। तो जिस तरह से भगवान श्री राम ने त्रेता युग में रामेश्वरम में
रामायण काल के समय पूजा की थी भगवान शंकर की, उसी तरह से इस मंदिर में पांडवों ने पूजा की थी। तो इसे एक तरह से उत्तर भारत का रामेश्वरम भी कहा जा सकता है। भगवान कृष्ण ने महाभारत के युद्ध से पूर्व पूजन किया, जैसे दक्षिण में रामेश्वर का पूजन किया राम जी ने, तो रामेश्वर की स्थापना की, ऐसे ही उत्तर में भगवान कृष्ण ने स्थानों शिवलिंग की स्थापना की, तो यह उत्तर भारत का कृष्णेश्वर कहिए या रामेश्वर कहिए। भगवान शिव के इस मंदिर का जो गर्भगृह है वो काफ़ी बड़ा है, बहुत ज़्यादा विशाल है ये गर्भगृह। तो आइए मंदिर चलकर भगवान शंकर के दर्शन करें। महादेव जी के दर्शन करने के बाद हमारा अगला मुख्य स्थल है सन्निहित सरोवर, जो कि कुरुक्षेत्र का मुख्य सरोवर है। यहाँ पर पिंडदान किया जाता है। ये पीछे जो आपको सरोवर दिखाई दे रहा है, ये कुरुक्षेत्र का सन्निहित सरोवर है। यहाँ पर पितरदान किया जाता है, तो अपने पितरों का श्राद्ध किया जाता है। और इसके अलावा सन्निहित सरोवर के जितने भी घाट हैं, इन घाटों के आपको चारों तरफ बहुत प्राचीन मंदिर भी दिखाई देंगे, जिनका कि ऐतिहासिक महत्व भी रहा है। तो ये था सन्निहित सरोवर। यहाँ पर कुल 48 कोस का जो परिक्रमा मार्ग है, लेकिन कुरुक्षेत्र के जो हमने मुख्य स्थान है वो आपको दिखाए हैं। इसके अलावा यहाँ पर 20 किलोमीटर की दूरी पर अभी मन्नीपुर है, यहाँ पर महाभारत का चक्र भी रचा गया था। और वहाँ पर कौरवों द्वारा वीर अभिमन्यु का छल से वध किया गया। तो ये थे कुरुक्षेत्र के मुख्य स्थान, और अभी हम यहाँ पर जो रहने की सुविधाएं हैं उसके बारे में बताएंगे। जाट भवन धर्मशाला ब्रह्म सरोवर से लगभग इसकी दूरी 200 मीटर के करीब है। यहाँ पर आपको रहने के लिए बड़ी अच्छी सुविधा है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर कमरे हैं। ये जिस कमरे में अभी हम खड़े हैं ये नॉन एसी है, और इसका जो किराया है वो 400 रुपये है। अगर आप एसी रूम यहाँ पर लेना चाहते हैं तो उसका किराया आपको 700 रुपये पड़ेगा। यहाँ पर शाम के समय निःशुल्क भोजन भी मिल जाता है, और ये धर्मशाला काफ़ी बड़ी है। और ये जाट भवन धर्मशाला के बिल्कुल सामने गीता भवन धर्मशाला है। यहाँ पर पार्किंग की भी बहुत अच्छी सुविधा है, अगर आप अपने वाहन से भी आते हैं तो। यहाँ पर जो कमरे का किराया है वो 600 रुपये एसी रूम का किराया है। और यहाँ पर एक राधा कृष्ण जी का मंदिर है, वो भी बहुत सुंदर मंदिर यहाँ पर स्थापित है। इसके अलावा ब्रह्म सरोवर के आसपास और भी कई अच्छी धर्मशालाओं का विकल्प है। और अभी हम यहाँ से ब्रह्म सरोवर पर शाम की आरती देखने के लिए जाएंगे। अभी शाम के 6 बज चुके हैं, और अभी हम दोबारा फिर से ब्रह्म सरोवर पर आए हैं कात्यायनी मंदिर के पास, जो महाआरती होती है उसे देखने के लिए। तो जब भी आप ब्रह्म सरोवर आएँ शाम के समय, यहाँ पर जो महाआरती होती है उसका नज़ारा देखने के लिए एक बार जरूर आएँ। तो अभी हमने महाआरती का आनंद ले लिया है, तो अभी हम ऊपर आए हैं यहाँ पर घाट पे। तो जो मैं नज़ारा देख रहा था कि जो हमारा सुबह का एहसास था ब्रह्म सरोवर का, और जो शाम का यहाँ पर एहसास हुआ हमें आकर, बिल्कुल अलग है। यहाँ पर लोग चहलकदमी कर रहे हैं, पूरे का पूरा ब्रह्म सरोवर रोशनी में नहला दिया गया है, और बिल्कुल ही यहाँ पर अभी ब्रह्म सरोवर है जो अलग दिख रहा है। तो ये था कुरुक्षेत्र के मुख्य तीर्थस्थलों के दर्शन और यहाँ पर रहने की सुविधा। अगले एपिसोड में हम कुरुक्षेत्र के मुख्य मुख्य व्यंजनों का यहाँ पर जायका आपको दिखाएंगे। जय श्री कृष्णा।